नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है घमासान.com पर। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जिस तरह शाजापुर देवास सीट से लोकसभा प्रत्याशी महेंद्र सिंह जी सोलंकी को मैदान में उतारा है, तो क्या लगता है नए चेहरा क्या रंग लाएगा भाजपा देवास संसदीय सीट में? बिल्कुल, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि महेंद्र सिंह जी सोलंकी नया चेहरा भाजपा के लिए नहीं है। जी महेंद्र सिंह जी जो है स्टूडेंट के लाइफ से ही विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए हैं। विद्यार्थी परिषद में काफी समय तक उन्होंने काम किया है, जी संघ के स्वयंसेवक रहे, देवास में भी, इंदौर में भी शाखा में जाना, शाखा के कार्यक्रमों से जुड़ना है। तो महेंद्र सिंह जी इस नाते किसी भी प्रकार से हम लोगों को, भाजपा के परिवार को नया चेहरा नहीं लगता है, वो हमारा अपना परिवार के ही प्रत्याशी है। जी सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन है आपसे कि जिस तरह विधानसभा चुनाव में भाजपा के हाथ से 3 गढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ हाथ से चले गए, लेकिन क्या लगता है नरेंद्र मोदी की जो रंग है, जो लहर है, वो रंग लाएगी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में? निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में हम जो है 29 में से लगभग 27 सीट जीत रहे हैं। जी वैसे ही छत्तीसगढ़ में रहेगा और वैसे ही राजस्थान में तो क्लीन स्वीप होने वाला है जो पिछली बार 2014 में हुआ था। जी क्योंकि देश की जनता, वो राज्य का था, वो 2 लाख का जो प्रलोभन इन लोगों ने झूठा प्रलोभन दिया था, उसमें कुछ लोग आ गए थे। जी ये राष्ट्र का चुनाव है, राष्ट्रवाद का चुनाव है। जी और देश का मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए और मजबूत प्रधानमंत्री, सशक्त प्रधानमंत्री और विकास के प्रधानमंत्री केवल नरेंद्र मोदी जी, इसका पूरे देश के लोग समझते हैं। सर, जिस तरह से मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो अलग अलग चेहरों से लोगों को यहाँ उतारा गया संसदीय सीट में, तो क्या लगता है नए चेहरे रंग लाएंगे? निश्चित है नए चेहरे हैं तो नए लोगों में उत्साह भी होता है, और जब नया चेहरा अगर पार्टी उतारती है तो उसका कोई प्लस माइनस नहीं होता है। जी इसके पीछे कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती है। जी नया चेहरा, ताजा चेहरा, तरोताजा चेहरा होता है। जी तो किसी प्रकार के कार्यकर्ता से लेकर जनता के बीच में किसी प्रकार कोई असंतुष्ट नहीं होते हैं। जी जी सर, अगर एक तरफ हम बात करें मध्य प्रदेश में भोपाल की, तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के सामने खड़े हैं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, तो क्या लगता है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर गढ़ अपना जमा पाएगी भोपाल में? निश्चित रूप से भोपाल जो है पहले से ही भाजपा का गढ़ है। जी हर समय भाजपा को वहाँ के मतदाताओं का आशीर्वाद मिला है। जी और इस बार तो साध्वी प्रज्ञा जो खड़ी है, जी वो राष्ट्रवाद के नाम पर ही खड़ी है। जिस प्रकार से भगवा और हिंदुत्व को आतंकवादी बना करके इन लोगों ने पेश किया, जी और साध्वी प्रज्ञा जो एक साध्वी है, समाज को दिशा देने वाली महिला है, जी उनको एक गलत तरीके से फंसाया गया। जी और हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए साध्वी प्रज्ञा जी का उपयोग किया गया। जी तो इसलिए वहाँ की जनता ये बात समझ चुकी है। जी और उसमें दिव्य सिंह का बहुत महत्वपूर्ण हाथ था। जी भगवा को आतंकवाद घोषित करना, हिंदू को आतंकवादी घोषित करना, जी और ये हिंदू कहीं से कहीं तक इस अपमान को भूला नहीं है, और जी पूरा हिंदू समाज और पूरा राष्ट्रवादी लोग, जी चाहे किसी भी धर्म के मतावलंबी हो, जी वो निश्चित दिग्विजय सिंह को जवाब देने के लिए तत्पर बैठे हुए हैं। जी और करारी हार दिग्विजय सिंह जी की होगी। सर, जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर लगातार विवादित बयान दे रही है, क्या इससे लगता है कि भाजपा पार्टी को हानि हो सकती है किसी प्रकार की, या हार का सामना करना पड़ सकता है? साध्वी प्रज्ञा जी ने अभी ऐसा कोई बयान नहीं दिया है जिसको विवादित, तो कुछ लोग बना देते हैं उसको, विशेष तौर पर मीडिया हर चीज को कुछ भी बोलते हैं तो उसको ये विवादित बयान है, ऐसा कुछ किया नहीं। जी एक कुछ कहा था तो उसके लिए उन्होंने निश्चित रूप से खेद प्रकट किया है। जी हाँ सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद घमासान.com से जुड़ने के लिए। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।